रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखने का दावा करता है। हालांकि बीच बीच में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो रेलवे की साख पर बट्टा लगाने का काम करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ऐसा ही एक मामला सामने आया है। रिजर्वेशन टिकट बना दिया, उसमें जोड़ने को वो दूसरा आदमी को लेने को वही टाइम में आपको नहीं सोचता आता है क्या? वो यात्री वाला आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, आंध्र से आते हैं, तमिलनाडु से, उसको डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, वो रिजर्वेशन उसको देना पड़ेगा। जहां रिजर्वेशन होने के बाद दो दर्जन से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन में चढ़ नहीं पाए, ट्रेन के डिब्बों में पहले से ही यात्रियों की जबरदस्त भीड़ थी। इन सभी यात्रियों को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से संघमित्रा एक्सप्रेस पकड़नी थी। इनमें 6 यात्री बेंगलुरु तो 15 यात्रियों को विजयवाड़ा टीके का सफर करना था, लेकिन भीड़ के कारण ट्रेन में चढ़ नहीं पाए, जिसके बाद सभी यात्री रेलवे यात्री सहायता केंद्र पहुंचे, वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करने लगे। लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी रेलवे के अधिकारी उनकी मांगों को अनसुना करते रहे, जिससे आक्रोशित यात्रियों ने सहायता केंद्र में तैनात सभी कर्मियों को बंधक बना लिया। वहीं बंधक बनाने की सूचना मिलते ही रेल महकमे में हड़कंप मच गया। जीआरपी आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और यात्रियों को मनाने में जुट गई, लेकिन यात्री वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग पर अड़े रहे। संघमित्रा ट्रेन है 12296 उसका, वो पूरा वाला तो रिजर्वेशन टिकट है, वो स्लीपर कोच में रिजर्वेशन टिकट है उसका पूरा वाला का पास। वो ट्रेन है ना, वो कितना बजे को 11:30 को इधर आना पड़ेगा था पहले, बट नहीं आना, 2 घंटा लेट हो गया। हम लोग उधर से क्या सोच रहा, ओके ट्रेन को जाने के बाद पूरा वाला खाना करना, वही इधर हम लोग सोच रहे, बट वो दो घंटा लेट आ गए ना, हम लोग इधर रखे ओके जाने को बाद करना, वही इधर कर दिया। बट आने के बाद क्या हो गया इधर, ये हमारा कंपार्टमेंट है ना S7 हमारा, वो दूसरा हमारा वाला का S6 X5 S3 पूरा वाला है। एक एक कंपार्टमेंट में एक क्या 3-3 सीटर है ना, एक एक सीटर में तीन लोग पांच लोग सो जाता है, और वो क्या डोर है ना, डोर का ऊपर एक लेग डालने के लिए जगह नहीं है। संघमित्रा एक्सप्रेस को सोमवार की रात 11 बजे स्टेशन आना था, लेकिन लेट चल रही ट्रेन करीब 2 बजे स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन में भारी भीड़ होने के चलते यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ सके। इसके बाद यात्रियों ने स्टेशन पर मौजूद रेलवे अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन मदद नहीं मिलने पर यात्री आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। इन लोगों की समस्या है सर कि इन लोग संघमित्रा ट्रेन छूट गई है, अब इन लोगों को ट्रेन की मांग है कि हमको सीट बर्थ दिया जाए। ये हम लोग को कम से कम सुबह 4 बजे से ही इन लोग बंधक बनाए हुए हैं कि आप लोग बाहर नहीं जाना है। सारे जितने भी महिलाएं हैं बोल रही हैं, इन लोग का मांग है कि हमें सीट दिया जाए किसी भी ट्रेन में डायरेक्ट वहाँ बेंगलोर जाने के लिए। मैंने सभी अभी अपने कमर्शियल कंट्रोल को भी बता दिए, अपने सीएजी सर को भी बता दिए, सभी अधिकारियों को भी लमसम बता दिया गया। अब सब लोग आए भी और इनको समझाए भी, लेकिन इन लोग नहीं मान रही हैं। का ट्रेन छूट गया है और ये लोग यहाँ पे आके 4 बजे से हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जहाँ तक इन लोगों को सलेशन अभी नहीं मिला है, तो हम लोगों को बंधक बनाए रखे हैं और हम लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। इनकी समस्या ये है कि इनकी संघमित्रा ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी और ये लोग जैसे पकड़ नहीं पाए, भीड़ की वजह से छूट गई इनकी। बात ना बनते देख यात्रियों ने अनाउंसमेंट ऑफिस में मौजूद अधिकारियों को बंधक बना लिया। अनाउंसमेंट ऑफिस पर मौजूद अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मान नहीं रही। सुबह 4 बजे से ही इन यात्रियों ने अनाउंसमेंट ऑफिस के 5 कर्मचारियों को ऑफिस में ही बंधक बना लिया है और उन्हें बाहर आने जाने नहीं दे रही हैं। बंधक बनाए गए तमाम कर्मचारियों के ड्यूटी आवर्स भी पूरे हो गए हैं, लेकिन महिलाएं उन्हें जाने नहीं दे रही हैं।